हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊं, लेकिन उस डिटेल में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह वैकेंसी ओरिजिनल है या नहीं, मैं इसका बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी तक मुझे ऑफिशियल साइट पर कोई अपडेट इससे रिलेटेड नहीं मिली है। में जैसा कि आपको दिया गया है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग डिप्लोमा आपका होना चाहिए। उसके लिए आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस 50-बेडेड हॉस्पिटल कंपलसरी है यदि आपका जीएनएम है। तो दोस्तों, इसमें पोस्ट जो है आपको दिखाया गया है, टोटल 372 पोस्ट है, जिसमें जनरल का 150, ओबीसी का 119 और एसटी का 51 और एससी का 16 और ईडब्ल्यूएस का 36 वैकेंसी है। दूसरा सेकंड फ्रेंड्स, आपको यहाँ देखना होगा कि एम्स डायरेक्टर का भी यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ना कोई रिक्रूटमेंट ऑफिसर का कोई साइन है। फ्रेंड्स, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, वो 9/11 दिया है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 24/12 दिया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेंटर वो आपको एम्स ऋषिकेश की साइट पर दिया जाएगा जब एडमिट कार्ड अपलोड होगा। डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड वो आपको साइट पर बता दिया जाएगा। आपको जो इंक्वायरी करनी है वो इस साइट पर कर सकते हैं। बाकी जो जनरल कंडीशंस है वो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको जो है जनरल कैंडिडेट के लिए फ़ीस रहेगी 1500, जो डोमिसिल कैंडिडेट है उनके लिए, और उत्तराखंड जो डोमिसिल कैंडिडेट है उनके लिए 3000, और जो ओबीसी कैंडिडेट है डोमिसिल वो 750, एंड जो ओबीसी कैंडिडेट उत्तराखंड से नहीं है उनके लिए 1500 फ़ीस रहेगी। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 500, चाहे वो कहीं से भी हो। एनपीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए एग्जाम्ट है, बाकी फ्रेंड्स जो एज रिलैक्सेशन आपको सभी वैकेंसीज में मिलता है वही आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। बाकी फ्रेंड्स जो जनरल चीज़ें हैं वो सब आपको मैंने बता दी है इसमें। फ्रेंड्स, यह वैकेंसी थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, मैं इसके फेक होने का भी दावा नहीं करता हूँ और ना ही मैं दावा करता हूँ कि यह वैकेंसी ओरिजिनल है। फ्रेंड्स, इस पर मुझे टोटल कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको इसकी जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल साइट पर कोई अपडेट नहीं है। फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, गुड बाय। फ्रेंड्स, मैंने अभी जस्ट सोशल मीडिया पर देखा एक नोटिफिकेशन एम्स ऋषिकेश से रिलेटेड नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी का, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैंने ऑफिशियल साइट पर इसको देखा। फ्रेंड्स, यह मैं आपके सामने, मैंने एम्स ऋषिकेश की ऑफिशियल साइट खोल रखी है। फ्रेंड्स, इसमें हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इस ऑफिशियल साइट पर देखा तो यहाँ कोई मुझे इससे रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिला। जैसा कि आपको मालूम होगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप ए बी सी ऑन डेपुटेशन बेसिस। फ्रेंड्स, अभी 26 तारीख को जो डेपुटेशन बेसिस पर जो नोटिफिकेशन आया था, केवल उसी का ही यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा और कोई सा भी नोटिफिकेशन ग्रुप बी से रिलेटेड इसमें मुझे नहीं मिला है।